हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी बिज़नेस फाइनेंस की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिज़नेस फाइनेंस का सेकंड चैप्टर, जो कि है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मीनिंग, नेचर, स्कोप, गोल्स एंड फाइनेंस फंक्शन। ठीक है, इस चैप्टर में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे वन बाई वन। तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, आज हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करेंगे, इसकी डेफिनेशन और इसकी मीनिंग देखेंगे। तो आइए चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर किसी को भी इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो, तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। बिकॉज आप देख सकते हो कि चैप्टर्स पढ़ाने में काफ़ी टाइम लगते हैं, जो कि काफ़ी टाइम टेकिंग है। तो अगर आपके एग्ज़ाम्स नियर बाई हो, तो आप मेरे नोट्स परचेज कर सकते हो, बिकॉज गुड मार्क्स इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मनी। ठीक है, तो मैं तो वीडियो डालूंगी। और आपकी अगर कोई क्वेरी है, जैसे कि नोट्स किस लैंग्वेज में है, तो जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, आपने देखा भी है, और मैं बता भी देती हूँ कि नोट्स इतनी इजी लैंग्वेज में है कि अगर आप खुद से पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए आप बिल्कुल भी वरी मत हो कि अगर मैं नोट्स परचेस कर लूँगा या कर लूँगी तो उसको समझाएगा कौन, बिकॉज इतनी ईजी लैंग्वेज में मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं। हैंड रिटन नोट्स की यही अच्छी बात होती है कि आप क्या कर सकते हो, उसको ईजिली समझ सकते हो, आपको किसी और की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है। अदरवाइज आप मेरे वीडियोज़ को कंटिन्यूएशन में फॉलो कर सकते हो, जिससे आपकी नॉलेज और आपका सिलेबस खुद कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ सच एज प्रोक्यूमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड ऑफ द इंटरप्राइज। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या होता है, जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है, ठीक है, जैसे कि आप फंड्स को कहाँ यूटिलाइज़ करोगे, कैसे यूटिलाइज़ करोगे इंटरप्राइज में, उन सब के बारे में प्लानिंग करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको डायरेक्ट करना, उसको कंट्रोल करना। ठीक है, ये चारों कॉन्सेप्ट से आप बहुत अच्छे से आप क्या हो, इंट्रोड्यूस्ड हो। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ को प्लान करना, उसको देन ऑर्गेनाइज करना, उसको डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना, किसी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को एक इंटरप्राइज के अंदर, कि फंड्स कैसे एलोकेट होंगे, कैसे यूटिलाइज होंगे, उनको प्रोक्योर कैसे करना है, इन्हीं एक्टिविटीज़ को हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। इट मीन्स अप्लाइंग जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल टू फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ द इंटरप्राइज। ठीक है, इसका मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि जो मैनेजमेंट का, जनरल मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स होता है, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स हमारे क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, यही होता है ना। तो इन प्रिंसिपल्स को जब आप फाइनेंशियल रिसोर्स के, किसी भी इंटरप्राइज के आप फाइनेंशियल रिसोर्स पर यूज़ करते हो, इस मेथड्स को, इस प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, इसके कुछ डेफिनेशंस हैं जो कुछ लोगों ने दिए हैं, क्योंकि आपको डेफिनेशन लिखना बहुत ज़रूरी होता है। मीनिंग और डेफिनेशन में मैंने आपको अपने हर वीडियो में डिफरेंस बताया है कि मीनिंग क्या होता है। आप मीनिंग को अपने वर्ड्स में बता सकते हो, ठीक है, आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, आप जो सोचते हो वो लिख सकते हो, लेकिन आप डेफिनेशन में कभी भी चेंज नहीं कर सकते। जो वो सोचते थे आप वही लिखोगे, ठीक है, आप जिसका डेफिनेशन लिख रहे हो आप उसी लैंग्वेज में एज़ यूजुअल लिखोगे, आप अपनी वर्ड्स उसमें नहीं यूज़ कर सकते। बस मीनिंग एंड डेफिनेशन में इतना ही डिफरेंस होता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ द एक्टिविटी कंसर्न्ड विथ प्लानिंग, रेजिंग, कंट्रोलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ फंड्स यूज्ड इन द बिजनेस। ठीक है, किसने ये लिखा था, गुथमन एंड डोगल ने लिखा था। इनका मानना था फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें आप किसी भी बिजनेस में जो पैसे यूज़ हो रहे हैं उसको प्लान कर रहे हो, उसको कैसे वो कैसे यूज़ होगा उसकी प्लानिंग कर रहे हो, उसको कंट्रोल कर रहे हो, उसको एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हो, उसका कहाँ से वो पैसे लाने हैं, ठीक है, रेस करना है, उसके बारे में सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, उसी को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। गुथमन एंड डोगल ने ये कहा था, लिखा है। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा जेएफ ब्रांडली ने क्या लिखा था, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज दैट एरिया ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट डिवोटेड टू अ जुडिशियस यूज ऑफ कैपिटल एंड केयरफुल सेलेक्शन ऑफ सोर्स ऑफ कैपिटल इन ऑर्डर टू इनेबल स्पेंडिंग यूनिट टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ रीचिंग द गोल. ठीक है, जीएफ ब्रांडली का क्या कहना था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिजनेस मैनेजमेंट का एक वो एरिया होता है जिसमें आप अपने कैपिटल के बारे में क्या करते हो, फैसले लेते हो. ठीक है, जुडिशियस मतलब फैसला लेना. ठीक है, कि आप अपने कैपिटल को कहाँ से रेस करोगे, ठीक है, और उसको कहाँ यूज़ करोगे ताकि आपने जो गोल बनाया है, ठीक है, आपका गोल क्या होगा, प्रॉफिट मेकिंग, एक्सपेंडिंग, इन सब गोल को आप अचीव कर सको. ठीक है, इसी की प्लानिंग करना, कैपिटल को कहाँ से लेना है, कहाँ तक खर्च करने के बीच की जो सारी प्लानिंग होती है ताकि आप अपने जो सेट गोल है उस तक पहुंच जाओ, इसी को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ठीक है, जेएफ ब्रांडली का ये कहना है. नेक्स्ट डेफिनेशन हमें किसमें दी है, मैसी ने लिखी है, उनका क्या कहना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ द ऑपरेशनल एक्टिविटी ऑफ ए बिजनेस दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग एंड इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग द फंड नेसेसरी फॉर एफिशिएंट ऑपरेशन. ठीक है, ये इन्होंने बोला है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ द ऑपरेशनल एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस. ठीक है, ये एक ऑपरेशनल एक्टिविटी होती है जिसमें क्या करते हो, आप पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होते हो कि आप कहाँ से फंड लोगे और उसको कितनी इफ़ेक्टिवली यूज़ करोगे कि आपके जो भी काम है वो इफ़िशेंटली और अच्छे से हो जाए. ठीक है, ये कहना था हमारे मैसी का. तो ये था हमारा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा. अगर फिर भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं. थैंक यू.